हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग। सो मेरी थकावट अभी तक उतरी नहीं है, क्योंकि कल भी डांस क्लास चला गया, तो वहाँ से भी थक गया। फिर घर पे आके खाना वाना भी बनाया, सो आज भी खाना वाना बनाना, तो थका हुआ बहुत ज़्यादा है अभी भी। बाकी मतलब आज क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आई थिंक आज मुझे रेस्ट करना चाहिए ब्लॉगिंग से भी। आप सब लोग बोलोगे कि हर महीने ब्लॉगिंग से रेस्ट लेता है, हर हफ्ते में एक दिन ये ब्लॉगिंग से रेस्ट लेता है। सो बस ऐसे ही दे देता हूँ रेस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा स्टैमिना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए तो आप सबको मिलता है थोड़ी देर तब तक के लिए। हे गाइस, तो मैं अभी नीचे आया हूँ थोड़ा सामान लेने के लिए। मेरी ज़िंदगी में रेस्ट तो नहीं लेना, बेड रेस्ट पर एकदम से काम वाम करना पड़ता है। सो अभी मुझे दूध लेने हैं, मैंने दूध लेने हैं जा रहा हूँ। और मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कॉपीराइट लग जाएगा, गाने चल रहे पीछे से, मिलता बाद में। आज हमारे साथ दूध ले गई, तो क्या हुआ, आज मैं नीचे गया था ना जब दूध लेने के लिए, सो तब मैं नीचे था, तो मैंने नीचे देखा कि किन्नर की गाड़ी खड़ी है। सो मैंने देखा कि शायद किसी के घर पर आए होंगे, कि किसी की शादी वादी होगी आस पास किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पर आए होंगे, तो उनके पास डोर की बोल के सब थी। जब मैं ऊपर आया तो क्या हुआ, फिर सब थप्पा हो गया हमारे घर पर बैठे बैठे। कि खलीफ है ना, खलीफ सो होने लगा कि खलीफ यहीं पे बर्थ हुआ है, उसको यहीं पे रहता है, तो इसलिए आए थे कि आपके घर में डेट हुआ। कि हम लोग ऐसे कि हम लोग तो खुद स्टूडेंट है भाई, हम लोग क्या पता, तो बोलते कि आप यहाँ पे रहता करके ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं रहते, वो कश्मीर में रहते हैं। तो बस आज के लोगों को गलत फहमी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे कि अगर हमें कहीं पर दिख गया ना आपके साथ वो भी, तो हम लोग फिर से आएंगे। हमने कहा ठीक है आ जाना, तब आ जाना, अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। सो जो हमारे साथ ये लोग हैं, और मैंने इसलिए ब्लॉग भी बनाया कि मुझे नहीं लगता था कि वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं करेंगे। तो हमेशा ब्लॉगिंग के लिए हर एक को कम्फर्ट देखना चाहिए। सो मैंने इसलिए किसी को मतलब किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता, और किसी को मतलब ऐसे पूरा नहीं फील कराना चाहता, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। इसलिए मेरी आपका भी आपको भी बता रहा हूँ ऐसे लगे कि ऐसा हुआ आज हमारे साथ, तो जब बधाई देने आए थे तो हम लोग तो बेचारे हम लोग क्या ही देते बधाई बधाई। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, मम्मी दीदी घर आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि वो दीदी बोलते हैं, कोई बोलता कहते ये नज़र रखते हैं ऊपर। मैंने कहा हाँ ठीक है, नज़र रख लेंगे, क्या देखेंगे अपने लोगों को। सो आई जस्ट रिस्पेक्ट दैम, एंड बहुत रिस्पेक्ट है दिल में उनके लिए। और इन पंजाब एंड इन नॉर्थ इंडिया आई थिंक पूरा पूरे इंडिया में उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, और हमने भी बहुत रिस्पेक्ट की उन्हें आज। एंड ऐसा नहीं हम लोगों ने भगाया, नहीं हम लोगों ने रिस्पेक्ट से उन्हें बिठाया सोफे पे आने पर, वो जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि लड़ रहे, जैसे लोग लड़ने लग जाते हैं उनके साथ की नहीं आएगा। हम लोगों को उन्हें प्यार समझाया और समझ भी गए। अरे वो कन्फ्यूज हो गए थे बीच आधे मुस्लिम आधे हिंदू, वो कह रहा है इस घर में, क्योंकि मैं आया तो बोलते हैं पंडित जी भी आ गए ऐसा, वो खुद कन्फ्यूज हो गए थे इनके घर पर वो कह रहा है। सो अभी आप सबको मिलूंगा मैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बता है। एंड मैंने बनाया ये पुलाव फिर से, कल तो एकादशी है तो कल को तो कुछ खाना नहीं, तो इसलिए मैंने पुलाव बना लिया था। जब मैं पुलाव खा लूँगा तो फिर कल को तो एकादशी है तो जैसे खाना होगा तो वो खा लूँगा, तब ये बना है पुलाव, अब मैं खाऊँगा पुलाव। तो मिलता है आप सबको मैं थोड़ी देर में, तब तक के लगभग बाय खाने के बाद। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और आज अच्छा सा खास कहने मुझे बोला था सबको कि आज मैं रेस्ट कर लूँगा थोड़ी सी, क्योंकि कोल्ड भी हो रखा है और बॉडी भी पेन कर रही, क्योंकि रेस्ट नहीं हुआ था। कल मंडे था तो मंडे को कल क्लास भी हुआ था, तो इसलिए सो आज मैंने रेस्ट किया था, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। जो भी हुआ था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि आप घर में क्या हुआ था क्या हुआ था। सो अभी आप लूँगा मैं आपको मैं सॉरी अभी मैं आपको मिलूंगा कल को, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विद द पीएन ब्लॉग्स। मिलते हैं आपको कल को, तब तक के लिए बाय, हरे कृष्णा, गुड नाइट।